today I will tell a story. Let's start. The Hare and the Tortoise. Once a hare and a tortoise lived in a jungle. The hare was very proud of his speed. He often teased the tortoise for his slowness. एक समय एक खरगोश और एक कछुआ जंगल में रहते थे। खरगोश को अपना तेजी से बहुत घमंड था। वो हमेशा कछुआ का मजाक उड़ाता था क्योंकि वो धीरे चलता था। तो इसके बाद क्या हुआ? One day the tortoise challenged the hare to a race. The hare happily accepted the tortoise challenge. The race began. एक दिन कछुआ ने खरगोश को चैलेंज किया। खरगोश भी बहुत खुशी होके उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो रेस शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ? द हियर रैन वेरी फास्ट। ही लेफ्ट द टॉर्टोइस फार बिहाइंड इन मिनट्स। मीनव्हाइल द टॉर्टोइस वाज मूविंग स्लोली एंड स्टेडली। खरगोश बहुत तेज भागा, मिनटों में कछुआ को पीछे छोड़ के चला गया। इसी दौरान कछुआ भी धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ? After some time, the hare decided to take a nap under a shady tree. कुछ ही समय बाद खरगोश ने सोचा, क्यों ना हम थोड़ा पेड़ का नीचे सो लेता हूँ। The tortoise moved on and on. Soon he went past the sleeping hare and reached the finishing point. तो कछुआ चलता रहा, चलते चलते वो अपना फिनिशिंग पॉइंट में जाके पहुंच गया। Thus he won the race. The hare was ashamed of himself. इसी प्रकार वो रेस जीत गया और खरगोश अपने आप से बहुत लज्जित हुआ। इसी स्टोरी से हम लोगों को क्या सीख मिलती है? Slow and steady wins the race. So, little friends, story कैसा लगा? Okay. Today's story ends here. Bye bye, children.